गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, यूकेजी के बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी गुड मैनर्स। कुछ ऐसा वर्ड जो गुड मैनर्स में शामिल है, जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अपनी बात को कैसे प्रकट करें और वो गुड मैनर्स में कैसे कहलाए। नीचे शब्दों की एक सूची दी गई है जो भाषा को शिष्टाचार युक्त विनम्र बनाती है। वे शब्द बोलने वाले के व्यवहार और शिष्टाचार दर्शाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे देखिए, कुछ वर्ड है जो गुड मैनर्स कहलाते हैं। जब हमको वाक्य किसी से बोलते हैं या कुछ मांगते हैं, तो इन शब्दों को लगा देने से वाक्य सुंदर हो जाता है और सामने वाले भी खुश हो जाते हैं। जैसे प्लीज, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, पार्डन, यू आर वेलकम, बाय ऑल मींस, माय प्लेजर, इट्स फाइन, टेन, काइंडली। ये सारे शब्द हैं जो सेंटेंस को खूबसूरत बनाते हैं, और जो इस सेंटेंस को सुनते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। जैसे प्लीज, प्लीज मीन्स कृपया, सॉरी क्षमा, एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, थैंक यू धन्यवाद, पार्डन मीन्स भी क्षमा, वी यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, बाय ऑल मीन्स हर तरह से, माय प्लेजर मीन्स मेरा सौभाग्य, इट्स फाइन या ठीक है, काइंडली कृपया। अब देखिए, अब मैं यहाँ कुछ सेंटेंस बताऊंगी जो इसका उपयोग करना है, कुछ बताऊंगी और कुछ आगे क्लास में बताऊंगी। जैसे हमें कुछ बेटर वे ऑफ सेइंग में कहना है, बेटर वे ऑफ सेइंग, बेटर वे ऑफ सेइंग, बोलने की अच्छी कला। कुछ सेंटेंस बताऊंगी। एक नंबर, एक्सक्यूज मी, आई
want, I want to say something. देखिए यहाँ एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ये सेंटेंस को सुंदर बना दिया है, ब्यूटीफुल बना दिया। एक्सक्यूज मी आई वांट से समथिंग, एक्सक्यूज मी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब देखिए दो नंबर में, मान आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, वाटर प्लीज प्लीज। यहाँ प्लीज लगाने से माय आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्लीज लगाने से ये सेंटेंस आदर सूचक बन गया है। थ्री, नो थैंक्स आई नीड नो हेल्प। देखिए नहीं, ये धन्यवाद उस किसी व्यक्ति को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो नो धन्यवाद शब्द का उपयोग किए हैं, वर्ड का ये आदर सूचक शब्द हो गया, ये सेंटेंस को सुंदर बना दिया। सॉरी आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक गलती हो गई, मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए। ये शब्द का प्रयोग मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराने के लिए कहा गया है, ये सेंटेंस को आदरणीय बना दिया है। सॉरी आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। फाइव, I beg your pardon, I cannot hear you. I beg your pardon, I cannot hear you. मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। ये वर्ड इस सेंटेंस को आदर सूचक बना दिया है। इन सब वर्ड को यूज करके हम अपने बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं, विनम्र तरीका से रख सकते हैं, जो हमारे लिए प्रशंसनीय होगा और हमें प्रशंसा के योग्य बना देगा।